हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल विटिलिगो, जो मेल्स में हो रहा है। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर विटिलिगो क्या होता है? तो विटिलिगो एक तरीके का स्किन कंडीशन है जिसमें आपके स्किन में वाइट कलर के पैचेस बनने लग जाते हैं, और ये पैचेस कितने भी बड़े साइज़ के हो सकते हैं और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेल जेनिटल ऑर्गन में जो विटिलिगो हो रहा है उसकी बात करेंगे। विटिलिगो पर्सन को किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, या आपके जेनिटल एरिया में भी हो सकता है, या फिर ये आपके हाथ या फिर पैरों में स्टार्ट हो सकता है, और धीरे धीरे करके ये आपके पूरी बॉडी में एक्सटेंड हो सकता है और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनिटल विटिलिगो हुआ है, मेल जेनिटल ऑर्गन में उन्हें वाइट पैचेस हुए हैं, तो आखिर उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि मेल का जो जेनिटल एरिया है, जो पीनिस है, जो शाफ्ट एरिया है, वहाँ पे उन्हें वाइट कलर के पिगमेंटेशन फॉर्म हो सकते हैं और ये पैचेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। धीरे धीरे ये स्मॉल पैचेस होते हैं, फिर जैसे टाइम जाएगा तो इन पैचेस का साइज़ बढ़ने लग जाएगा, इनका लेंथ इंक्रीज़ होने लग जाएगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन के जो हेयर है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। जेनिटल एरिया के जो हेयर है या फिर बॉडी के जो हेयर है वहाँ पे उन हेयर का कलर ग्रे हो सकता है या फिर वाइट कलर के हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे माउथ या फिर नोज़ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी पिगमेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को आईज़ से रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है, उन्हें विजन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसके वजह से उनके आईज़ का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है और विजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। विटिलिगो आपको किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि 20 ईयर से इसकी शुरुआत हो जाती है। जब भी कोई पर्सन 20 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद उन्हें विटिलिगो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके बाद ही उन्हें सिम्टम आने लग जाते हैं। विटिलिगो एक कॉन्टेजियस कंडीशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर किसी पर्सन को जेनिटल एरिया में विटिलिगो हो भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और पर्सन को हो जाएगा या फिर कोई एक्टिविटी के बाद वो किसी और पर्सन को स्प्रेड हो जाएगा। अब मैं आपको पिनाइल विटिलिगो होने का कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये बीमारी होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है कि आखिर क्या रीज़न है ये बीमारी होने का, लेकिन ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें अपने ही बॉडी के सेल खुद को ही अटैक करने लग जाते हैं। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन की बॉडी में जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और स्किन में वाइट कलर के पैचेस बनने लग जाते हैं। पिनाइल विटिलिगो उन लोगों को होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी, जैसे कि अगर किसी पर्सन को लूपस हुआ था तो उन्हें ये कंडीशन हो सकती है इन फ्यूचर, या फिर अगर किसी पर्सन को थायराइड से रिलेटेड बीमारी हुई थी, जैसे कि थायराइड में कोई इन्फ्लामेशन हुआ था, तो ऐसे लोगों को भी पिनाइल विटिलिगो हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपके फैमिली में किसी को ये कंडीशन हुई है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप हाइड्रोकोटाइल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप आर्सेनिक 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप सिफिलिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और विटिलिगो को कम करने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, ये था पिनाइल विटिलिगो। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।